सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधु मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना प्यार देते हो। मैं पहले भी यहाँ पे हमने दिल तोड़ के गाना, मनीष दिल तोड़ के गाना किया था शूट, और ये पहला मराठी सॉन्ग है जो उत्तराखंड की हसीन वादियों में शूट किया, और इसका श्रेय जाता है मेरा छोटा भाई मनीष मौर्या, मेरी छोटी बहन सुप्रिया और ऋतुजा। ऋतुजा हाँ, तो मतलब मस्त ये नए आर्टिस्ट है हमारे साथ श्वेता पंसी, वैसे इन्होंने हिंदी गीत भी किए और गढ़वाली उत्तराखंड में आर्टिस्ट काफ़ी फिल्में भी कर रहे हैं, इनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में मैं मतलब जो अपने कल्चर को तो प्रमोट कर ही रहा हूँ कि मैं मराठी सिनेमा या बॉलीवुड सिनेमा को पहले भी मैं यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ कि आप प्लीज़ आइए उत्तराखंड में शूट करिए। उत्तराखंड एक बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत ही प्यारी वहाँ नेचर है वहाँ का, हरिद्वार ऋषिकेश से लेके गंगोत्री या वहाँ पे वादियाँ, क्योंकि हम जो बाहर जाते हैं शूटिंग के लिए दुबई हुआ या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी इंग्लैंड हो गया, हमारे उत्तराखंड आइए। मैं सभी पहले भी मैं बात कही थी मीडिया से, आज भी कहता हूँ कि प्लीज़ आप उत्तराखंड में आइए शूट कीजिए। उत्तराखंड एक बहुत हसीन वादी है दादा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि मुझे मौका मिला, मराठी लोग बहुत पुराना नाता है मेरा मराठी दोस्तों से, मैं एक उनके लिए समर्पण भी करना चाहता हूँ कि यार मुझे मराठी सॉन्ग करने का मौका मिला। उसमें मनीष जी ने मेरे को इन्वाइट किया कि सर आप एक गीत कीजिए मराठी सॉन्ग, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा था देख के गाना कि कैसे जैसे कोई यशराज फिल्म रोमांटिक फिल्म 90s की है हम देख रहे हैं, वैसा गाना बहुत बढ़िया गाना था, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का पूरा गाना शूट करने का? और डायरेक्ट किया है ऋतुजा मैम ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सुनने के लिए बहुत हिट सॉन्ग गया है हमारे उत्तराखंड में, अच्छे खासे उसमें व्यूज और रील्स बन रहे हैं और उसका मराठी वर्जन हमारे यहाँ पे शूट हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला। शुक्रिया मनीष और ऋतुजा मैम ने मुझे मौका दिया, ये अपने चैनल पर काम करने का मौका दिया मुझे, और सुहन सर को भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मराठी में। जी मैम आपसे जान चाहेंगे किस तरह का आपने शूट किया, कैसे सब स्टार्टअप हुआ, क्या कुछ हुआ, कुछ बताइए जल्दी एकदम इस गाने के लिए। सी बेसिक हमारा कि ऐसा था कि हमने कुछ सोचा नहीं था स्टार्टिंग में करेंगे या नॉट, बट सुंदरे के लिए देहरादून गढ़वाली लैंग्वेज में इतना फेमस हो गया, सो सोहन भाई ने बोला कि चलो लेट्स डू इन मराठी, तो हमने सोचा कि चलो करते, और इतना कर रहे हमने क्या सोचा कि कल्चर अपना प्रमोट करते महाराष्ट्र में, सो आप गाना देखें अपने तो उसमें पूरा का पूरा आपने देखा है कल्चर वाइज, हमने पूरा नवारी से लेकर ट्रेडिशनल वे से मराठी से हमने स्टार्ट किया, तो बेसिक हमारा था कि चलो कर दिया, और अभी कैसे है ना कि आपका सबका सपोर्ट भी है, चलो साथ करते हैं। अच्छा सर प्लीज़ आपसे जान चाहेंगे मनीष जी आपकी काफ़ी तारीफ की, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे वहाँ पर शूट करने का ख्याल आपके मन में आया? बस मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि चाहे जो भी कल्चर हो जहाँ पे हम रहते हैं या जहाँ पे हमारा पूरा जो देश है उसमें जितनी भी लैंग्वेज है उस सब लैंग्वेज देखिए हम लोग हिंदी में तो काम कर ही रहे हैं, बट हमारा फोकस है कि हम अपने रीजनल जो जितनी भी लैंग्वेजेस है उसको भी प्रमोट किया जाए, और ये जो गाना है हमने सोचा कि मराठी गाने जो लोनावला खंडाला में शूट होता रहता है बहुत सारी चीज़ें बजट नहीं होती है, बट ऋतुजा जी हमने डिसाइड किया कि ये हम लोग जो गाना है उत्तराखंड में शूट करेंगे, क्योंकि जो यहाँ के लोग घूमने जाते हैं उत्तराखंड हिमाचल कश्मीर, तो जो लोग नहीं जा पाते वो कम से कम हमारे गाने के थ्रू उत्तराखंड को देख पाए, हमने बहुत 1% ही दिखा पाया हमने उत्तराखंड को, और ये गाना काफ़ी मतलब रेमेडी उसकी जो मेलेडी भी बहुत अच्छी है, तो मैं चाहूँगा कि सारे मराठी दर्शकों का प्यार मिलेगा और इस मराठी ऑडियंस को और मराठी लैंग्वेज को बहुत सैल्यूट है मेरा कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ के यहाँ पूरे दुनिया और देश के लोग यहाँ पे रहते हैं और सबको प्यार मिलता है, थैंक यू सो मच, और ये गानों को आप लोग बहुत अच्छे से प्यार दें, और सुमन भाई श्वेता जी ये उत्तराखंड के होते हुए भी उन्होंने बोला भाई मराठी कल्चर को ऑडियंस हमें प्रमोट करना है, और इसमें हम और भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स करेंगे मूवी बनाएंगे, तो भाई आपका बहुत धन्यवाद कि आप हर चीज़ों को सोचते हैं, थैंक यू सो मच। आने वाले समय में सर और कौन से रीजनल भाषाओं में या गाना या फिल्म करने वाले हैं? अगर ये गाना मराठी में हिट होता है तो हम चाहेंगे कि इसको साउथ लैंग्वेज में बनाएं, कन्नड़ तमिल और जो भी लैंग्वेज हम वहाँ की गुजराती में बनाएं, हम लोग बंगाली में बनाएं, तो विजन हमारा है कि हम सारे देखिए पूरा देश हमारा एक है, तो हम चाहते हैं कि अगर हमें कैपेबिलिटी है तो हम पूरे हर देश के हर लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, और फ्यूचर में हम एक बड़ी हिंदी मूवी भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं बना रहे हैं उसके बारे में, तो आप लोग को अपडेट मिलेगी। या मैं आपका कहना चाहेंगी मैम एक साल के गाना लॉन्च हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाना में से सुन रहे के लिए गढ़वाली वर्जन है, गढ़वाली लैंग्वेज है उत्तराखंड की, बहुत लोग जानते नहीं है इसको,
बट ये गाने को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इट गॉट अराउंड 800K व्यूज जो है. सो हमने सोचा कि इसको रीजनल लैंग्वेजेस हर स्टेट में करें ताकि गढ़वाली लैंग्वेज भी प्रमोट हो, उत्तराखंड का कल्चर भी प्रमोट हो, सिमिलरली साइमल्टेनियसली जो है हमारी महाराष्ट्रियन कल्चर एंड लोकेशन. सर आप दोनों से जानना चाहेंगे कहीं ये जो लव सीन है पूरा लव सॉन्ग है तो एक साकिब किस तरह से एक्सपीरियंस रहा सर लव सॉन्ग करते हैं? यार उत्तराखंड में तो मैं लगभग लव सॉन्ग ही करता हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो अभी मैंने छोड़ गए ने कहा कि सुंडे के लिए उत्तराखंड में सुपर हिट सॉन्ग है और वो भी रोमांटिक जो हमारी उत्तराखंड के सुपर लोक गायक है मीना राणा जी, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मराठी सॉन्ग गाया, तो मेरे लिए गर्व की बात होगी कि उत्तराखंड के सिंगर ने मराठी सॉन्ग भी गाया, उनके लिए गर्व. वो आने पाए आजकल क्योंकि नवरात्रि का मौसम वो सीजन है तो उनके जागरण वगैरह काफ़ी चलते हैं, तो मैं उनकी तरफ से मराठी सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आपको दिया सबका कि लव सॉन्ग तो मैं उत्तराखंड में काफ़ी गर्व. मैं हिंदी सॉन्ग भी लव सॉन्ग किया था मैंने दिल तोड़ के मनीष भाई दिल तोड़, तो मेरे में काफ़ी लव सॉन्ग ही मेरे ऊपर आ जाता है पहली बार मराठी है बहुत अच्छा लगा. सर इस गाने के लिए मैम चॉइस थी कि मतलब किस तरह से मैम का सिलेक्शन हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएंगे किस तरह से कास्ट किया गया? मैडम का सिलेक्शन ऐसा कि मैडम ने पहले गढ़वाली उत्तराखंडी सॉन्ग किए और एल्बम किए हिंदी एल्बम किए, फिर इनका जो हाइट का भी वो हो रहा था बैटिंग थोड़ी अच्छा लगा उसमें पहले भी इनका सॉन्ग देखे, तो मनीष भाई ने कहा मैंने फोटो देखा तो इनको पहले हमने लिंक्स राइट करके दिया तो उन्होंने बहुत अच्छी लिपसिंग हमें भेजी, तो हमने बोला कि यार सुन भाई ये श्वेता जी परफेक्ट है गाने के लिए और बेसिकली वो आईटी कंपनी में काम भी करती हैं तो उससे उन्होंने टाइम निकाल के भी इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत मतलब सैल्यूट है कि वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है कि भाई कोई अगर लेडी है जो अपना कैरियर भी संभाल रही है और फिल्म में भी संभाल रही है, तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो जॉब करते हैं कहीं पर और उस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंस्पिरेशन भी है कि आप ऐसा नहीं कि आप फुल टाइम ही कर रहे हो, आप पार्ट टाइम भी इसको कर सकते हो और अगर किसी चीज़ में अच्छे मेहनत से करते हो तो आप सक्सेसफुल 100% होंगे. कंपोजिशन विदाउट एनी लाइट और कैमरा इट्स ऑल इट वाज ऑल यू नो नथिंग वाज प्लान्ड वेरी स्पॉन्टेनियस इट वाज एंड यू कैन सी द सॉन्ग द क्वालिटी ऑफ सॉन्ग ब्यूटीफुल इट टचेस हार्ट एंड प्लस इट टचेस द कोर ऑफ द हार्ट बिकॉज ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड बैकग्राउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग very neat, clean, very spontaneous, overflowing. सर आप सभी से जाना चाहेंगे शूट पे कहीं ना कहीं कुछ बातें याद आता कुछ बातें हुई रहती है जो कि याद आती है जिक्र होती है, क्या बताना चाहेंगे ऐसे कौन सी बात है जो अभी आपके जिक्र में हो? शूट मीडिया जी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मेरे बड़े ब्रदर हैं जो हमेशा मेरे पीछे रहते हैं और कभी मीडिया के सामने नहीं आते हैं, तो इनका बहुत सपोर्ट रहता है हम लोग के सारे प्रोजेक्ट्स में और फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप आए यहाँ पे. सर आप बताइए सोहन भाई जो है गढ़वाल उत्तराखंड से होते हुए भी आज मराठी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे में मराठी गाना बनाया है, मुझे पता है कि लॉन्चिंग कर रहा है पुलिस भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई कि इनको तो मराठी आती नहीं है और जो एक्ट्रेस है तो भी नहीं आती है, इतना बढ़िया अमेजिंग चीज बहुत अमेजिंग बात है जो है, तो इन्होंने उसको लॉन्च किया और काफ़ी अच्छा रहा और फ्यूचर में ऐसे नए नए नजरिया इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे, अगर कोई भी किसी के पास अच्छा प्रोजेक्ट हो मराठी गाना हो कोई भी लैंग्वेज हो और जिसको भी उत्तराखंड में शूट करना है पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा, मैं सनी फिल्म जस्टिन और नेम प्रोडक्शन से मरीज जी सर जैसे ने बताया कि मराठी नहीं आता कुछ मुश्किलें आई शूटिंग के दौरान समझाने में बताने में कुछ बताइए उसके बारे में. जैसे बहुत सारे जो लिरिक्स है तो क्या होता हिंदी और मराठी सेम है पढ़ने में बट जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें हमें मुश्किल आई कि जो हमारे जो सिंगर जो मीना राणा जी मतलब आप उनका अगर विकिपीडिया चेक करेंगे तो उन्होंने काफ़ी गाने बनाए टीसीज लेवल से हमारे म्यूजिक से, तो वहाँ के मतलब स्टार है गढ़वाली के बट मराठी में हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग उनको अच्छा प्यार दें उनका गाना सुने काफ़ी स्वीट फ्लेवर से, तो यही हमारी दिक्कत है कि प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है. सर ये गाना किस चैनल पर रिलीज हो रहा है कुछ उसके बारे में बताइए? ये गाना नेम प्रोडक्शन पर रिलीज हो रहा है जो ऑलरेडी म्यूजिक वीडियो मराठी में प्रोड्यूस करते हैं और इसको हम फ्यूचर में अगर हिट होता है तो देन उसको टीवी भी हम लॉन्च करेंगे. सर ये जान चाहेंगे जो महाराष्ट्र की ऑडियंस है पब्लिक उन्हें आपने दिखाया ये गाना कुछ लोगों को दिखाया कैसा आउटपुट आया है उस बारे में सर बताइए. तो हमारे पहली बात तो जो भी हमारी कंपनी है उसमें जो हमारे बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स बहुत सारे मराठी मतलब एक सारे उसमें और भी साउथ के हैं, तो हमने सबको दिखाया तो हमने बोला भाई ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग इसको सारे लैंग्वेज में कर रहे हो और वहाँ कैसे मंगवा दिया, लोग चाहते हैं ब्यूटीफुल संगीत देखें गाना मतलब ये होता है
कि लोग म्यूजिक और सीनरी पे बिलीव करते हैं। जी मैम आपसे जानना चाहेंगे, गाना बहुत ही आई थिंक एक डेढ़ दिन में शॉट किया गया, कितना मुश्किल रहा और कैसे ये एग्जीक्यूट हुआ पूरा और कंप्लीट हुआ? स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि हम गए थे ऑन लोकेशन ही सब कुछ प्लान हो गया था। एक्चुअली प्री प्रोडक्शन के पहले हमने कुछ ऐसे ऐसे प्लान किया था कि ऐसे करेंगे, बट ऑन लोकेशन पे जाने के बाद हम ऊपर हाइट पे गए थे, चंबा प्लेस है, उधर गए थे तो वहाँ पर वेदर अलग ही था, तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ मतलब जो सीन हमने पोर्ट्रेट किया था ऑलरेडी वो नहीं हो सका, तो ऑन द स्पॉट हमने सीन बना दिया और वो शूट कर दिया बेसिकली। और सर ने और मैम ने बहुत अच्छे से वो ऐड भी किया है उसमें, और वेदर ने हमारा बहुत साथ दिया ऊपर जाने के लिए। बस बस एक चीज़ और बैठ करना चाहता हूँ, विजन ये है, तो इनका विजन है कि मराठी प्रोडक्शन को मराठी लैंग्वेज को काफ़ी प्रमोट किया जाए, तो हम लोग एक जॉइंट वेंचर है और इन्होंने अभी फर्स्ट डेब्यू डायरेक्टर है अभी फिलहाल, और भी सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे फ्यूचर में, तो इनके पास काफ़ी क्रिएटिविटी है कि जो मराठी ऑडियंस को देखने मिलेगी। मुझे लगता है कि मराठी में पहला सगाना होगा जो कहीं बाहर शूट हुआ हो और इतने अच्छे ब्यूटीफुल सीनरी हो। जी हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि गाना काफी बढ़िया था, बढ़िया था। प्लस अपन काहीतरी एक्सपेरिमेंट करतोय, गढ़वाली लैंग्वेज मराठी मधून आणतोय, तर आमच्या टीम कडून खूप असं अपेक्षा आहे तुमच्याकडे की तुम्ही आम्हाला खूप सपोर्ट द्याल, प्रेम द्याल आणि भरभरून प्रेम द्या, बघा नक्की, आणि आणि काही उत्तराखंड मध्ये सपोर्ट लागला तर आम्ही नक्की तुम्हाला सपोर्ट करू। धन्यवाद। मनीष पूरे इंडिया का जो हमारा कल्चर है और दुबई में एक इवेंट करवा रहे हैं जो 1000 वोट है, तो उसमें ये पहली बार होगा कि हिंदुस्तान का हर कल्चर, चाहे वो पंजाब से कन्याकुमारी, चाहे बॉम्बे से साउथ हो, कुछ भी उत्तराखंड हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, तो पूरा मतलब इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है मेरा छोटा भाई, और दुबई में इवेंट है 1000 मॉडल, ये फर्स्ट टाइम होगा ऐसा, जो हमारा कल्चर है, हर बोली भाषा, हर संस्कृति के लोग, हर धर्म के लोग, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी हमारे 2-3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक हिंदी पिक्चर आ रही है, देव मैन 2025 तक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कि आप सब लोगों को प्यार मिले उसके लिए, काफी बड़े स्टार हैं उसमें साथ में, पर ले ड्रोन मैं उसको तो तैयारी कर रहा हूँ, बाल देख लिया आपने, दाढ़ी देख ली, मनीष बोले मनीष इन फ्रॉम 907 टू 940 बट द प्री हिस्टोरिक पीरियड व्हिच मनीष इज डूइंग, वी आर शूटिंग इन नवंबर दिस वन, काफी बिग प्रोजेक्ट है और काफी इसमें मुश्किलें भी आएगी, क्या पता जब कुछ बड़ा काम करते हैं तो आसान नहीं होता, बट वो इम्पॉसिबल भी नहीं होता, तो हम उसके ऊपर लगे हैं और एक दूसरा का प्रोजेक्ट है, बट हम होपफुली चाहेंगे कि आप लोग आशीर्वाद और सभी लोगों का प्यार बना लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।